और बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले पर एक बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी का आज ईडी की कस्टडी में फूट फूट कर रोने का एक वीडियो सामने आया, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल अर्पिता को मेडिकल के लिए ले जाया गया था, जिस दौरान अस्पताल में जब गाड़ी पहुंची, जब उनको उतारा जा रहा था, तब वो फूट फूट कर रोने लगी। अस्पताल ले जाते वक्त व्हीलचेयर पर बैठी हुई अर्पिता फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दी हैं। जोर जोर से वो रोते हुए चिल्लाने लगी। ये तस्वीरें जब गाड़ी से अर्पिता मुखर्जी उतर रही थी, देखिए किस तरीके से वो टूट कर बिखर कर रोती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हो सकता है उन्हें अपने किए पर पछतावा भी हो, लेकिन ये तस्वीरें उन्हें जब रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल लेकर आया लाया जा रहा था, उस वक्त अर्पिता गाड़ी से निकलते वक्त फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। तो आप देख सकते हैं जो महिला सुरक्षा कर्मी है वो अर्पिता को गाड़ी से नीचे उतार रही हैं, लेकिन अर्पिता गाड़ी से उतरने को शायद तैयार नहीं थी, लेकिन वो रो रही थी लगातार। इसके बाद उनके लिए व्हीलचेयर लाया जाता है, व्हीलचेयर में फिर उनको बैठाकर अंदर ले जाया, देखिए व्हीलचेयर में उनको ले जाया जा रहा है, उसमें भी वो रोती हुई नजर आ रही है। आखिरकार क्या रोने की वजह है ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन व्हीलचेयर पर उनको अंदर ले जाया गया है। और जब उनको व्हीलचेयर पर अंदर ले जा रहा था तब भी वो रो रही थी। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर मीडियाकर्मी पहुँचे हुए थे, जो यहाँ पर अर्पिता से बात करने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अर्पिता ने कोई बात तो नहीं की, लेकिन वो फूट फूट कर रोती हुई जरूर नजर आई है। रूटीन चेकअप के लिए ईडी की हिरासत में उन्हें अस्पताल लाया गया था। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जिस वक्त अस्पताल ले जाते वक्त अर्पिता फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही थी। दरअसल अर्पिता इस वक्त ईडी की कस्टडी में है और ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। उन्हें कोर्ट के आदेश के अनुसार मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाता है, रूटीन मेडिकल चेकअप कराने के लिए कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है। पार्थ चटर्जी का भी रूटीन चेकअप कराया जाता है। और इसी कड़ी में जब अर्पिता मुखर्जी को अस्पताल लेकर जाया गया तो वो उस दौरान फूट फूट कर रोती नजर आई। सहयोगी अतुल भाटिया जुड़ चुके हैं। अतुल, अर्पिता की ये तस्वीरें जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया वो फूट फूट कर रोती हुई नजर आई, क्या ये पश्चाताप के आंसू या फिर इसके पीछे की कोई और वजह? देखिए अर्पिता अब इस बात को समझ चुकी है कि वो इस मामले में बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि 50 करोड़ रुपए दोनों उन्हीं के घर से मिला है। यही कारण है कि उनको अब पता है इस बारे में है कि वो अब इस पूरे मामले के अंदर फंस चुकी है, क्योंकि पार्थ चटर्जी के बहुत करीबी मानी जाती थी और जब उनके घर से कैश हुआ तो उनकी गिरफ्तारी की गई। तो अब पार्थ चटर्जी और जो अर्पिता है वो दोनों ही ईडी की कस्टडी में। हम सुबह से बात बता रहे थे कि आज दोनों को मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा, और जब अर्पिता को मेडिकल के लिए लेकर जाया जाता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। उनको इस बात का अब एहसास है कि वो इस पूरे मामले में बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता के अंदर जो ईडी ने रेड्स की थी वो 50 करोड़ रुपए जो है अर्पिता के घर से बरामद किए गए थे। सबसे अहम बात यहां पर ये कि अर्पिता के घर से दो शेल कंपनीज भी चलती थी, इसका खुलासा भी अब ईडी ने किया है, उसकी तफ्तीश भी अब ईडी कर रही है, क्योंकि ईडी अर्पिता और पार्थ चटर्जी दोनों ही ईडी के पास है, ईडी की कस्टडी में है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो नए नए खुलासे हो रहे हैं, और जिस दिन ईडी ने जो अर्पिता मुखर्जी है उसको जब अरेस्ट किया था तो उस दिन भी घर के नीचे खड़ी चार गाड़ियां, जिनमें से एक ऑडी है, एक मर्सिडीज है और दो होंडा की गाड़ी है, वो चारों गाड़ियां भी गायब है, जिसमें ईडी को अंदेशा है कि इनमें बड़ी संख्या में कैश हो सकता था। तो अभी जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी जो इसी मामले को लेकर है, कहीं और जगह कैश भी हो सकता है, ये भी ईडी के सूत्र हमें लगातार बता रहे हैं। और जब मेडिकल के लिए अर्पिता को लेकर जाया गया तो कहीं ना कहीं अर्पिता इस बात को समझ चुकी है कि वो इस पूरे मामले में बुरे तरीके से फंस चुकी है, यही कारण हुआ कि वो फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दी। और जिस तरीके से अर्पिता ने लगातार अपने बयान जो ईडी को दिए हैं उसके मुताबिक उसके घर को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, कौन लोग इस पैसे को कहां से ये पैसा आता था, कौन लेकर आते थे, उसको ये अंदाजा नहीं है, लेकिन वो लोग पार्थ चटर्जी के होते थे, वो पिछले कमरे में जाते थे, अलमारी के अंदर पैसा रखते थे और खुद ही ताला मारकर वहां से निकल जाते थे, और उसकी कमरे की चाबी भी अर्पिता के पास नहीं थी। लेकिन अब जिस तरीके से अर्पिता से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, शेल कंपनीज जो है वो उनके एड्रेस पे बनी हुई थी, यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से धांधलेबाजी इस पूरे मामले के अंदर हो रही थी। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ईडी के पास है, वो चार गाड़ियां कहां है जिनमें ईडी को शक है बड़ी संख्या में कैश हो सकता है। एक बार फिर से जरा हम तस्वीरें दिखा दें अतुल, क्योंकि अर्पिता चटर्जी
अर्पिता मुखर्जी की जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अर्पिता मुखर्जी को आप देख सकते हैं कि उनको रूटीन चेकअप के लिए आज अस्पताल लाया गया, और अस्पताल जब उनको लाया गया तब गाड़ी से जब उनको उतारा जा रहा था, शायद वो क्या उतरना नहीं चाह रही थी, लेकिन लगातार वो फूट फूट कर रो रही थी। क्या उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो मीडिया तमाम लोग मौजूद थे, क्या उनका वो सामना नहीं करना चाहती, क्या ये वजह थी कि वो रो रही थी, क्या उनको पश्चाताप है इस बात का कि जिस तरह से सारी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, अब उनका बचकर निकलना बहुत मुश्किल है, क्या ये भी एक वजह हो सकती है इनके इन आंसुओं की, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो लगातार परतें खुलती जा रही इस पूरे मामले में, उसमें अर्पिता मुखर्जी के लिए बचकर निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा आगे। बिल्कुल, और अर्पिता मुखर्जी पर नया खुलासा भी हुआ है। अर्पिता की दो शेल कंपनियों का खुलासा हुआ है। बिल्गरिया के 8A फ्लैट से शेल कंपनी चलाती थी अर्पिता। बिल्गरिया वाले फ्लैट से 28 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, और बिल्गरिया वाले फ्लैट से ही सोना भी बरामद हुआ था, जिसमें करीब 5 किलो सोना मिला था। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से ही शेल कंपनियां चलाई जा रही थी अर्पिता के नाम से। अब अर्पिता के नाम से जब इतनी सारी शेल कंपनियां सामने आई है, और इनके जरिए किस तरह से जो ट्रांजेक्शन हुए, जो लेन देन हुआ है, उसको भी अब ईडी आगे खंगालेगी, क्योंकि शेल कंपनी के जरिए बताया जा रहा है कि जो तमाम जो पैसे थे, जो आपने कैश देखा था, उसको खपाया जाता था। एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई, जब अर्पिता के घर पे रेड की गई थी, तो वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे जो रिलेटेड थे रियल एस्टेट कंपनियों के साथ। तो क्या रियल एस्टेट कंपनियों में भी इनकी हिस्सेदारी थी, क्या वहां पर शेल कंपनियों के जरिए पैसा लगाया गया, इसको भी ईडी अब खंगाल रही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में एक और नया बड़ा खुलासा हुआ है। ममता बनर्जी सरकार से बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी के गुनाहों की अब नई फाइल खुल गई है। ईडी के सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर आई है। और घूस लेकर नियुक्ति के बाद भी पार्थ चटर्जी ने शिक्षकों को रिश्वत लिया था, और ये रिश्वत ट्रांसफर के नाम पर शिक्षकों से लिया जाता था, और गृह जिले में ट्रांसफर करने के नाम पर भी पार्थ चटर्जी रिश्वत लेते थे, और पार्थ चटर्जी ने म्यूचुअल तबादला भी रोक रखा था ताकि तबादले के बदले पैसे लिए जा सके। तो कुल मिलाकर जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी टीचर्स की, उसमें भी पैसा लिया जाता था, और मोटी रकम लेने के बाद ही जो आपके होम टाउन है वहां पर आपको ट्रांसफर मिलता था। पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। पार्थो चटर्जी की प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता के नकताल में इनका घर मिला है, बोलपुर में 9 घर, शांति निकेतन में करीब 4000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट, डायमंड सिटी में 4 फ्लैट, बेलघोरिया में 2 फ्लैट, जबकि जांगीपारा में महल नुमा घर मिला है, और बोरानगर में 1 घर मिला है, जबकि न्यू टाउन में 2 घर मिले हैं, सोनारपुर में भी 1 घर मिला है, पिंगला में 45 करोड़ की जमीन मिली है, और पत्नी के नाम पर 50 करोड़ का निर्माणाधीन स्कूल भी मिला है। इसके अलावा बाघा जतिन स्टेशन के पास 17 कट्टा जमीन, बेगमपुर में 25 बीघा जमीन, सिंगूर के दुर्गापुर में फार्म हाउस, सदगेनिया आइलैंड में न्यू सुरंजना गेस्ट हाउस, सजेन खली में न्यू रॉयल बंगाल रिजॉर्ट। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अपने आप में एक साम्राज्य यहां पर पार्थ चटर्जी ने खड़ा कर लिया। बिल्कुल, और गौसवा आइलैंड में भी सोनार गांव रिजॉर्ट, बारुईपुर में विश्राम फार्म हाउस, जहां से आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट्स चोरी हुई हैं, बारुईपुर में बेटी के नाम से ही सोहिनी फार्म हाउस को लिखा रखा गया है, लेदर कॉम्प्लेक्स बांटाला में 10 बीघा जमीन है, झारखंड में 24 एकड़ जमीन है, बर्धमान सैंड माइंस में भी कई डंपर इनके चलते हैं, और किया सेठ पार्लर और गारमेंट चेन में निवेश, और इच्छा इंटरटेनमेंट में प्राइवेट लिमिटेड में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने इसमें ये आती है कि जो इतने सारे संपत्ति के बारे में पता लगा है, अगर आप हलफनामा सुनेंगे, जो हलफनामा इनकी ओर से दायर किया गया, तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने क्लेम किया कि ना उनके पास कोई अपने पैतृक घर के अलावा कोई मकान है, ना ही उनके पास कोई गाड़ी है, और ना ही इनके पास 1.5 लाख से ज्यादा कैश है, जो उन्होंने 2022 में जो चुनाव हुए थे उसके दौरान उन्होंने इस पे अपना नोटिफिकेशन में हलफनामे में दिया था। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी पर एक नया खुलासा हुआ है। अर्पिता के पास सिर्फ करोड़ों रुपए कैश और करोड़ों की ज्वेलरी नहीं थी, बल्कि महंगी और लग्जरी कारों का भी जखीरा बरामद हुआ। ईडी को अब तक अर्पिता मुखर्जी की 5 लग्जरी कारों का पता चला है, और जिसमें से 4 कारें इस वक्त गायब है, और 1 कार को ईडी ने अपने कब्जे में लिया है। अर्पिता की जो 4 लग्जरी गाड़ी है वो गायब है, उसमें बड़ी मात्रा में कैश होने का अंदेशा जताया जा रहा है, और ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी की जो 4 कारें गायब है, उसमें एक ऑडी A4 है जिसका नंबर WBO2AB9561 है, और इसके अलावा होंडा सिटी जिसका नंबर है WBO60 6000, होंडा CRV भी उनका है।
इसके अलावा होंडा सीआरवी जिसका नंबर WB06T6001, साथ ही एक मर्सिडीज बेंच भी लापता है जिसका नंबर है WB02AE2232। ये सभी चार कारें टॉलीगंज स्थित डायमंड सिटी वाले फ्लैट से गायब मिली हैं। ईडी की टीम कारों को जब्त करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य अतुल और अर्पिता और पार्थ ने मिलकर तैयार कर लिया था। अतुल भाटिया लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, जो खुलासे अभी हमने किए, कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी पार्थ चटर्जी ने बना ली थी करोड़ों का, और जैसे कि ईडी पहले भी कह चुकी है ये अब तक का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला साबित हो सकता है, और अब जो खुलासे हो रहे हैं इंडिकेशन भी इसी ओर है। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय 24 परगना साउथ 24 परगना में बरेपुर इलाके में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं ये पीछे मेरे यहां फार्म हाउस देख सकते हैं, ये पार्थ चटर्जी का है। और यहां पर अभी पिछले बुधवार को यहां पर एक बड़ी चोरी हुई है। मैं आपको बता दूं ये 20 बीघे में फार्म हाउस बना हुआ है, और इस फार्म हाउस में बुधवार को चोरी होती है। रात करीब 1 बजे 6 से 7 लोग आते हैं, ताला तोड़ते हैं इस फार्म हाउस का और इसके अंदर घुस जाते हैं। बताया जाता है कि फार्म हाउस जो है वो हमेशा बंद रहता था, और जो चोर जिनको बताया जा रहा है वो लोग यहां से बड़े बड़े संदूकों में कुछ सामान लेके जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, और उसकी शिकायत अभी तक पुलिस को नहीं की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं ये फार्म हाउस के बाहर आप जो पार्थ चटर्जी है उनकी बेटी का नाम यहां पर लिखा हुआ है, सुहानी, बंगाली भाषा में नाम जो है सुहानी लिखा हुआ है। पार्थ चटर्जी की बेटी है सुहानी, और ये फार्म हाउस जो है वो पार्थ चटर्जी का ही है। जो भी एसेट्स आप बता रहे थे उसमें भी इस 20 एकड़ के फार्म हाउस का जिक्र है। ये जो प्रॉपर्टी है वो पार्थ चटर्जी की है। और यहां पर जो सबसे अहम बात जो लगातार आपने हम जो बता रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं ईडी के सूत्रों के हवाले से, 4 गाड़ियां अभी तक मिसिंग है जिसमें करोड़ों का कैश था। और उसी तरीके से जिस तरीके से बुधवार को यहां पर चोरी होती है, और जब लोग यहां पर रात को 1 बजे रोकने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं, तो यह बताया जाता है कि हम ईडी के अधिकारी हैं, जबकि ईडी ने इस मकान में इस फार्म हाउस में आज तक कभी रेड नहीं की है। तो यहां से संदूकों में भरकर काफी जो है वो सामान लेकर जाया जाता है। अब ईडी सूत्र ये बात भी कह रहे हैं कि हो सकता है उन संदूकों के अंदर, उन बक्सों के अंदर भारी संख्या में कैश हो, जिस तरीके से बाकी जो 4 गाड़ियां मिसिंग है उनमें भी भारी संख्या में कैश होने की बात ईडी कर रही है। तो इस एंगल पर भी अब ईडी जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। ये फार्म हाउस भी अब ईडी के रडार पर है। और यहां पर एक सबसे अहम बात जो हमें ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि अर्पिता और पार्थ चटर्जी इस फार्म हाउस पर कभी कभी आया भी करते थे, यहां रहा करते थे। और जैसा कि प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट हमने बता दी जो पार्थ चटर्जी के नाम पर है, साथ ही उनका फार्म हाउस भी आपने देख लिया जहां पर अतुल इस वक्त मौजूद है। और आप जरा मिलान करके देखिए 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जब हलफनामा उन्होंने दिया तो उन्होंने लिखा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक मकान है जो मुझे पुश्तैनी मकान में मिला है पिताजी का, और उन्होंने जो कैश डिक्लेयर किया था वो करीब 1.5 लाख रुपए कैश था, उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं है। और जब ये फेरिश्ता आप देख रहे हैं तो आपके तो होश ही उड़ गए होंगे। अतुल, आप नजर बनाए रखें, हम आगे आपके पास आते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।